नमस्कार, वेलकम टू टकाटक रसोई। आज हम बना रहे हैं भुट्टे के पकौड़े। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब भी कभी आपको पकौड़े खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले हम एकदम नरम भुट्टा लेंगे जिसमें से दूध निकलता हो। इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, इस तरह से छील लेंगे। इसका जितना भी रेशा हो उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इसे अच्छे पानी से धो लेंगे। अब हम इसे अंगूठे से इस तरह से छुड़ा लेंगे। अगर नहीं छूट रहा है तो इसे चाकू से निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे भुट्टे निकल गए। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, एकदम दरदरा पीसना है। 4 से 5 सेकंड में ये हो जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से पीस लेंगे। हरी मिर्च एक काट लेंगे, लहसुन, प्याज। ये देखिए, मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर करती हूँ। इसमें ये प्याज, मिर्चा और लहसुन इसे डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालेंगे और 2 चम्मच बेसन डालेंगे। साथ ही सभी मसालों में से 1-1 चम्मच डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे तरह से सभी को मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से मिला लेंगे, फेंट लेंगे थोड़ा देर। और अब गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई रख कर इसमें तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हम एक एक करके इस पकौड़े को डालते जाएंगे। जितना भी हो सके डाल देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ना ज्यादा छोटा और ना ज्यादा बड़ा डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पक रहा है ना। जब एक तरफ से पक जाए तो इसे दूसरी तरफ से पलटकर पका लेंगे। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए, हमारा पकौड़ा बनकर तैयार है। एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बना है। इसे आप जब भी कभी नमकीन खाने का, पकौड़े खाने का मन करे, आपके घर में भुट्टा हो तो आप भुट्टे के भी पकौड़े बना सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा बनता है।